गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब जाते हैं कैपेसिटर के कनेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स। जैसे कि आपको ये बोल दिया है कि आपके पास चार कैपेसिटर है सेम वाले, जिसको डायग्राम में दिखा है उस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले चीज दोस्तों, प्लीज ये सब प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो डायग्राम को समझो कि अगर लाइन छोटी बड़ी है तो ये आपका सेल है यानी बैटरी है, अगर सेम साइज वाली लाइन है तो ये आपका कैपेसिटर है। ये सारे सिंबल्स आपको समझने पड़ेंगे। देखते हैं पहली चीज कि सर आप लोग डायग्राम पे से क्या सोच सकते हो। तो डायग्राम पे से ये तीनों सीरीज में है दोस्तों। चलो फर्स्ट केस, तीनों सीरीज में है तो सबको मैं एक ही लाइन में पहले ड्रॉ कर दूं, ओके। और ये हमारा नीचे यानी ये सी फोर एज इट इज, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। अब बेनिफिट क्या होगा कि सर पहली चीज ये डायग्राम पे से सी वन सी टू सी थ्री आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला जानते हो, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। इसको मैं सी डैश बोलू तो वन अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन, सबकी वैल्यू सेम है यानी वन बाय सी डैश इज इक्वल टू थ्री बाय टेन। याद रखना दोस्तों ये वन अपॉन सी डैश है, हमें चाहिए सी डैश, तो सी डैश इज इक्वल टू 10 बाय 3। क्या यूनिट है माइक्रो, तो ये हो गया आपका माइक्रो फैरड। यानी आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो ये आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। सर नीचे वाला तो सी फोर ही है, ऊपर वाला अब आपका क्या आ गया सी डैश। तो अब मैं बोलता हूं कि आप समझ गए, ये दोनों का आप सॉल्यूशन करना है यानी सी डैश एंड सी फोर आर इन पैरेलल। अगर ये सब पैरेलल कनेक्शन में है तो फॉर्मूला डायरेक्ट एडिशन सी डैश प्लस सी फोर। चलो दोस्तों सी डैश हमारा क्या है तो क्या 10 बाय 3, सी फोर क्या है तो सी फोर की वैल्यू भी 10 है, तो सी आंसर इज इक्वल टू 30 प्लस 10 बाय 3, दैट मीन्स 40 बाय 3 माइक्रो फैराडे। ये जो आपने फाइंड कर दिया ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड हो गया, यानी आपका ये आंसर रेडी। अब दूसरी बात, आपको चार्ज फाइंड करना है। तो दोस्तों ये डायग्राम को समझो, फाइनली कुछ इस हिसाब से काम हुआ, ये आपका C4 है, ये आपका C डैश है। मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो बेटा यहां से अगर चार्ज Q आएगा तो उसको यहां पास होने के लिए दो पार्ट डिवाइड हो गए, Q डैश एंड C4, सॉरी Q4, यानी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, पहले आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्या है फॉर्मूला। तो सर Q इज इक्वल टू सी वी डैश डैश Q डैश, देखना ध्यान से, C डैश अवेलेबल है 10 बाय 3, V हमने कितना वोल्टेज अप्लाई दिया है 500, यानी अब इसको मैं लिखना चालू करूं तो 5 इंटू 10 डैश टू 3, ध्यान से देखना ये बाय 3 वैसा का वैसा, यूनिट माइक्रो था, फैराडे कैपेसिटर का यूनिट था, चार्ज का यूनिट जूल है यानी माइक्रो कूलम आएगा। सर माइक्रो नहीं चाहिए, हम 10 रेस टू माइनस 6 लिखो तो 10 रेस टू माइनस 6 हो गया। इसका आप शांति से देखो तो ये आप जानते हो ये हो जाएगा 1.7, 6 में से 3 कट हो जाएंगे तो 10 रेस टू माइनस 3 कूलम, यानी आपको ये चार्ज मिल गया। सब लोग यहां थोड़ा जल्दबाजी करते हैं तो प्लीज जल्दबाजी मत करो। ये Q डैश का मतलब, तो ये लाइन में जितने भी कैपेसिटर है सीरीज में है, सीरीज में चार्ज इक्वल, रिपीट, सीरीज में चार्ज इक्वल यानी Q
Q1, Q2, Q3 इज इक्वल टू Q' सब जगह पे चार्ज इक्वल रहेगा। सर आपने क्या किया, तो मैंने बेटा आपको फर्स्ट रो का सिखा दिया, सेकेंड यानी फोर वाला, चलो ट्राई करो तो Q4 इज इक्वल टू C4 भी। अब तो जल्दी हो जाएगा, C4 की वैल्यू तो आप जानते ही हो 10 माइक्रो यानी 10^-6 वी 500। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल ही था, इसको साथ से लिख दो तो 5×10^-3 कूलम। देखो कितना इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, कोई टफ नहीं लगा, शांति से सॉल्व हो गया। पर आपके लिए एक काम है, आपके लिए मैं थोड़ा डायग्राम चेंज करता हूं, C1, C2, C3 और C4 सबकी वैल्यू 10, 20, 30 और 5। मैंने क्या किया, डायग्राम को चेंज नहीं किया और वोल्टेज मैंने ले लिया 100। ओके, तो आपके लिए मैंने ये सिखाया, यही डायग्राम वैल्यू चेंज करके आपके ट्राई करना है। ओके, ध्यान से देखिए।